टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार के एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। सड़क हादसे में पंत को काफी चोटें आई हैं। यह हादसा दिल्ली से लौटते समय रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। हादसे में पंत की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकरा गई थी। टक्कर के बाद कार में आग भी लग गई। हादसे के बाद पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोट आई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। तो डिवाइडर से जा टकराई ऋषभ पंत की कार, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऋषभ पंत अपने घर की तरफ जा रहे थे। आपको बता दें कि कार वो खुद ड्राइव कर रहे थे, जिसके बाद उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। तो कार हादसे में बुरी तरह से घायल हुए ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। पंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक वो अभी खतरे से बाहर है। कार के डिवाइडर से टकराने के बाद पंत को कई चोटें लगी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने क्षतिग्रस्त कार से पंत को बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवेल्यूएशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। सो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवेल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है, अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ ऋषभ पंत की कार का जो फुटेज हमने देखा, वाकई काफी दिल दहला देने वाले हादसा। फिलहाल क्या अपडेट है, स्थिति कैसी है ऋषभ पंत की? बिल्कुल रिना, आपने सही कहा। जिस तरीके से आप हादसे की तस्वीरें देखेंगे वो दिल दहला देने वाली थी, और गाड़ी की अगर आप देखेंगे तो उससे पता चलता है कि कितना बुरा ये हादसा था। और लेकिन गरिमत की बात ये है कि ऋषभ पंत जो कि डॉक्टर बता रहे हैं कि वो अभी खतरे से बाहर है और दून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तमाम जो डॉक्टरों की टीम है वो इस समय उनका इलाज कर रही है, जिस तरह की जानकारी हमें मिली। और अब से थोड़ी देर में एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा जिसमें कि ऋषभ पंत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल उनको जिस तरीके की कंडीशन गाड़ी की देखने को मिल रही है उस हिसाब से तो वो इतने गंभीर रूप से चोटें नहीं है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत को ठीक किया जाए। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और डॉक्टरों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरते, जितनी मदद हो सकती है वो त्वरित रूप से उनको मदद पहुंचाई जाए, इलाज किया जाए। और राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी ऋषभ पंत के इलाज का खर्चा होगा वो खुद राज्य सरकार वहन करेगी। तो इस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम और आज सुबह की ये घटना है जहां पर की रुड़की के नारसन बॉर्डर में ऋषभ पंत जो कि खुद अपनी गाड़ी चला रहे थे, और ऐसी जानकारी मिली है कि ऋषभ पंत अपनी माताजी को एक सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो नींद की झपकी आने की वजह से ये दुखद हादसा हुआ। और सीसीटीवी आपने देखा रेणु किस तरीके से कितनी तेज गति से वो कार चल रही थी और उसके बाद फिर करीबन 5 फीट जो है वो गाड़ी ऊपर गई और फिर उसके बाद फिर नीचे गिरी है। और ऋषभ पंत ने अच्छी बात ये करी कि घायल होने के बाद भी अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ करके खुद वो बाहर निकले और उसके बाद जो है वो गाड़ी में आग लगी। और आग लगने के बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो ये एक अच्छी बात रही। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को आज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जो कि खतरे से अभी बाहर बताई जा रही है उनकी कंडीशन। चलिए अंकित, नजर बनाए रखेगा, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए थे। देहरादून के मैक्स अस्पताल में फिलहाल क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, हादसा उस वक्त हुआ जब ऋषभ पंत अपनी
फैमिली को सरप्राइज देने के लिए मिलने के लिए जा रहे थे, अचानक रास्ते में उन्हें नींद की झपकी आई और उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बुरी तरह से घायल हो गए। जैसा कि हमने शुरू में भी आपको जानकारी दी कि अपनी कार का शीशा खुद तोड़कर शबपंत बाहर आए घायल अवस्था में, और इसके बाद उस कार में आग भी लग गई, कार भी पूरी तरीके से जल गई है। हादसे का वीडियो सामने आया है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके इलाज में कोई भी कोताही ना बरतने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि ऋषभ पंत के इलाज का जो भी खर्च होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। फिलहाल अच्छी खबर ये है, ऋषभ पंत के जो तमाम चाहने वाले हैं और देश भर से जब क्रिकेटर के लिए दुआओं का दौर जारी है, गनीमत यह है कि अब वो खतरे से बाहर हैं और फिलहाल उनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में किया जा रहा है।